ओके, तो हम सभी कर लेते हैं सेक्शन बी बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसका पेपर वन का, ठीक है। तो पेपर वन के इसके साथ साथ तो मैं चैप्टर्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, और वे भी हो सकता है ये वन आवर्स तक जाए, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। सेक्शन बी, ठीक है, पहला ही बोला है कि फाइंड द एंड ऑफ द एपी, कोई भी एपी है तो उसका, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 12 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, और इस 12 क्वेश्चन में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं कि जो इसमें क्वेश्चन में बोला है, ये चैप्टर है अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एपी कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया था कि A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, .. AN तक होगा, ठीक है, या A3 के बाद AN तक होगा, इस तरीके का दिया होगा। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये एपी अगर है, अगर कंफर्म बोला है, तो इसके हर के बीच में सक्सेसिव डिफरेंट क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है इसका कॉमन डिफरेंट डी क्या होगा, A2 - A1, अगर इसके बीच का निकाल रहे हो तो A3 - A2 होगा, इस तरीके का कॉमन डिफरेंट होगा, ठीक है, तब एपी होगा, या तो लिस्ट ऑफ नंबर दिया होगा और उसका A2 - A1 निकालते हो, A3 - A2 निकालते हो, तो सेम होना चाहिए, अगर सेम हो रहा है तभी एपी है, अदरवाइज नहीं है। अगर बीच में कोई टर्म फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लो कि कोई A5th टर्म फाइंड आउट करना हो या कोई nth टर्म फाइंड आउट करना है कि ये nth टर्म क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है A+N-1 × D, ये बार बार लिखो कि ताकि आपको याद हो जाए, जितनी बार मैं बताऊं उतनी बार लिखो कि ताकि आपको याद आ जाए कि कोई एपी है तो उसका nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें ए क्या है, इसका जो पहला टर्म होता है A1 वही ए है, एन क्या है, कौन से नंबर का टर्म फाइंड आउट करने की बात कर रहे हो, एन मतलब एनवा टर्म, फिर फाइव मतलब फिफ्थ टर्म, मतलब यहाँ फाइव रहेगा, एन की जगह फाइव रखेंगे, और D है इनके बीच का, ये फॉर्मूला यूज करके आप D फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एपी बोला है तो कोई दो को ले सकते हो, ये एक लेके फाइंड आउट करके बता सकते हो, ध्यान से समझ में आए, ये एन टर्म फाइंड आउट करने के लिए। कई बार AN दिया होता है, लास्ट वाला टर्म दिया रहता है, ए भी दिया रहता है, डी भी दिया रहता है, आपको एन फाइंड आउट करने के लिए होता है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर सम दिया हो, जैसे इसका सम फाइंड आउट करना हो, एपी का सम, तो एस एन मतलब फर्स्ट से लेके एन तक टोटल इनका एडिशन कितना होगा, उसी को बोला जाता है एस एन, सम ऑफ एंथ टर्म फर्स्ट टू एन, ठीक है, पहले से लेके एन तक का पूरे का सम वैल्यू, तो क्या होता है एन अपॉन टू इन ब्रैकेट में 2A+N-1 × D, ये इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी ध्यान में रखना, कई लोग यहाँ प्लस माइनस भी लगा देते हैं गलती करके। एक और इसका फॉर्मूला होता है SN = N/2 ब्रैकेट में A+AN, पहला और लास्ट, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, पहला टर्म दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, और n टोटल कितने नंबर हैं वो दिया हो, तो आप इसका ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। अगर किसी में n भी दिया हो, a भी दिया हो और d भी दिया हो, तब ये फॉर्मूला यूज करके उसके फर्स्ट से टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर हुआ। एक और है कि अगर क्वेश्चन में SN दिया हो, ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्म में दिया हो, आपको पूछे कि AN क्या होगा, तो AN का फॉर्मूला ये भी होता है SN - SN-1, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये सब फॉर्मूले हैं जिसका आप यूज करके एपी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व भी करते जाएंगे कि ताकि आपका कोई प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, कोई एपी क्या हुआ है, दिया है, उस एपी को आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंथ टर्म, उसका एंथ टर्म बताना है, और एपी क्या है, वो एपी इस तरीके का दिया है, इसको आप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। एपी क्या दिया है, ऐसे दिया है, 8 दिया है, फिर उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद से 16.5 है, फिर 15 है, फिर .. करके है, इसका nth टर्म बताना है, पता नहीं कहां तक है, उसका n1 का टर्म क्या होगा। तो इसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्या ये गिवन है, ये गिवन है,
इसके बेस पे मुझे ए मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 18, डी मिल सकता है, डी क्या होगा ये माइनस ए, ए टू माइनस ए वन होता है, तो 16.5 माइनस 18 करेंगे क्या हो जाएगा 18 में से ये माइनस करोगे, बड़े में से कर रहे हैं तो बड़े वाले का साइन आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.5 आ गया डी की वैल्यू। उसके बाद क्या चाहिए, एन टर्म चाहिए, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए आपका है 18, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है और डी की वैल्यू है माइनस 1.5। जब भी ये डी की वैल्यू माइनस में हो तो ब्रैकेट में लिखना, ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो ये इसके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में नहीं रहेगा। ये 18 हो गया प्लस इसका इधर से करोगे तो माइनस 1.5 एन हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का करेंगे तो प्लस 1.5, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 19.5 माइनस 1.5 एन हो गया ए एन का, ये nth टर्म का ये वैल्यू है, nth टर्म क्या होगा ये है, ठीक है 19.5 माइनस 1.5 एन, ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। वही क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, देखो इससे आपको याद भी रहेगा जो बेसिक पेपर जिसका ही है, मतलब 25 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से होगा, चैप्टर नंबर 5, ये इस तरीके से याद भी कर सकते हो, हर क्वेश्चंस ना जैसे जैसे सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का, दो मार्क्स का एक क्वेश्चन है इस टाइम पे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, ठीक है टाइम नहीं क्वेश्चन नंबर पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि 26 भी एपी से ही है, 26 भी एपी से, यहां बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 384, यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि एपी में ये इस तरीके का दिया हुआ है, एपी दिया ये 13, 20, 27 ऐसे ऐसे करके दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि ये ए एन इक्वल टू 384 है, ठीक है या पूछा है कि 384 कौन से नंबर का टर्म होगा, तो ये चीजें हमें क्या करना है, कैसे पता करेंगे, इसके कहीं आता होगा 384 तो हम उसको ए एन मानेंगे 384, और एन हम फाइंड आउट करेंगे, अगर एन मेरा पॉजिटिव आ रहा है पूर्णांक में नंबर नेचुरल नंबर जैसा आ रहा है, ठीक है एन हमेशा ध्यान रखा कि नेचुरल नंबर में आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ठीक है फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, हमारा सॉल्व करके नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर अगर एन आता है, ठीक है होल नंबर भी नहीं नेचुरल नंबर, ठीक है नेचुरल नंबर आता है तब तो ये इसमें आता है, ठीक है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कैसे पूछा उसी से पता चल रहा है विच टर्म, ठीक है तो ये एयर मैंने मान लिया, ठीक है लेट करके ऐसे लेट ए एन 384, तो एयर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, पहले उससे पहले और क्या फाइंड कर सकते हैं, ए क्या है 13, डी फाइंड कर सकते हैं 20 माइनस 13 कितना आ जाएगा 7 आ गया, ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 384, ए की वैल्यू 13, एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू 7, ये इसमें से माइनस होगा 384 माइनस 13, यहाँ पर है एन माइनस 1 इंटू 7, यहाँ माइनस किया 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, उसके बाद ये डिवाइड होगा 7 से, यहाँ एन माइनस 1, 7 के टेबल में 7 फाइव 35 और 7 3 जा 21, ये 53 बार में और ये माइनस 1 आया तो 54, सॉरी ठीक है ये आ गया एन की वैल्यू, तो आप क्या लिख दोगे 384 इज द 54th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का वो 54वां टर्म 384 है, ठीक है इस तरीके का ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे। कुछ नहीं करना था, जब भी टर्म की बात करें और कुछ वैल्यू दिया हो तो टर्म में टर्म का फॉर्मूला यूज करना आपका आ जाएगा, क्लियर हुआ क्लियर हो गया ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर का क्वेश्चन कैसा बोला है, अभी देखो दो क्वेश्चन 25 26 किससे रिलेटेड था एपी मतलब चैप्टर नंबर 5, चार मार्क्स हो गए यहीं पर, फोर मार्क्स दिख रहा है यहीं पर आराम से प्रैक्टिस वही करना है कि मेरा ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए। 27 बोला है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्पीयर, दो स्पीयर होंगे एक मान लो आर वन होगा और दूसरा होगा आर टू, ठीक है तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो दिया है, सरफेस एरिया क्या लिखोगे पहले क्या लिखोगे
या ऐसे लिख सकते हो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया ही होता है क्योंकि स्फीयर है, तो इसमें मान लो एक का क्या लिख सकते हो इस तरीके से, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया आप ऐसे तरीके से बता सकते हो, एक का S1 है और एक का S2, और कितना दिया हुआ यहाँ पर दिया है 16:9 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अब ये फॉर्मूला देखो इसका बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, 4πr1² ये फिगर से, इसका 4πr2² कितना दिया है 16/9 दिया, यही दिया है। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला में पहले यहाँ से क्या मिल सकता है वो देखो, ये 4π कैंसिल, क्या मिला r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी स्क्वायर में बना सकते हो, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दोगे तो कट गया r1/r2 क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है, क्लियर। अब मुझे क्या ये चाहिए, वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, वॉल्यूम रेशियो चाहिए, तो पहले का क्या होगा 4/3πr1³/4/3πr2³ यही है। अब यहाँ पर देखो ये 4/3π कैंसिल, बचा क्या है r1/r2³। अब r1/r2 की वैल्यू देखो 4/3 है, तो यहाँ 4/3 का क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे, रेशियो क्या आ रहा है 4³ 64 और 3³ 27, क्या रेशियो बन रहा है 64:27, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो, लिख भी सकते हो इसका पर नीचे इस तरीके से करके, क्या लिखोगे इसके आगे लिख सकते थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, ठीक है, इस तरीके का बना के लिख देंगे। इस तरीके का ये सलूशन है, और ये किस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 13 का है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 किस चैप्टर का है, 13 चैप्टर का, ये यहाँ से 2 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको गिनाते जाता हूँ आपको पता चलेगा, और यहाँ साइड में मैं लिख भी दूँ तो भी बेटर रहेगा, ये दिख रहा है क्या, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 ये भी है, इन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड ए कोन आर इक्वल, ठीक है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों का रेडियस क्या है सेम है। आगे बोला ऑल्सो देयर हाइट आर इक्वल, दोनों का हाइट भी इक्वल है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले गिवन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जो चैप्टर नंबर 13 से, क्या लिखेंगे, क्या जो दिया है, क्या दिया है, रेडियस रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू आर, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ कोन कोन इक्वल टू एच। रेशियो किसका पूछा है, रेशियो पूछा है इनके वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। पहले कौन है, पहले है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपन वॉल्यूम, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर अपन वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3πr²h, देखो पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा 1/1/3, मतलब क्या होगा ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/1, रेशियो क्या आ रहा है 3:1, इतना ही लिखने का 2 मार्क्स मिल जाएगा, और ये भी किस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 13, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, इसी तरीके से करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, इसी तरीके से करेंगे आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लिखने का आपका टेक्निक ये होना चाहिए, फिर आपके मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 प्रोबेबिलिटी, मतलब चैप्टर नंबर 50, क्या दिया हुआ है, इन अ पैकेट कंटेनिंग 500 स्क्रू है, ठीक है,
एक कोई पैकेट है जिसमें कितने हैं 500 स्क्रू हैं, देयर आर 80 डिफेक्टिव स्क्रू, ठीक है। पहले नंबर आप लिख सकते हो टोटल स्क्रू, टोटल स्क्रू इन अ पैकेट कितने हैं 500। फिर बाद में डिफेक्टिव स्क्रू 80, स्क्रूज 80 हैं। A screw is selected at random from the box. एक screw select करना है randomly box से. Find the probability that the selected screw is non-defective. Non-defective होने की probability क्या है? Defect नहीं होना चाहिए था, defect है 500 में से. तो आपका क्या लिखेगी? Favorable outcomes आप लिख सकते हो. Favorable outcomes क्या आएगा? Favorable outcomes 500 माइनस 80 कितना आएगा 420। और टोटल आउटकम्स क्या लिख सकते हो? 500 टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? सब आ सकते हैं ना, क्योंकि एक ही पैकेट में है, तो कितना है 500 है, ठीक है। अब क्या हम करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या होगा लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला लिख दोगे तो बेटर रहेगा। फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स ठीक है, अपन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल पॉसिबल, या तो ये भी लिख सकते हो नॉन डिफेक्टिव, फेवरेबल नॉन डिफेक्टिव आउटकम्स, नॉन डिफेक्टिव आउटकम्स वहाँ पे भी वही लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो गया 420 अपन 500 00 कैंसिल, कितना आ गया 8.44 ये होगा ना, नहीं नहीं 0.84 आ गया, दिस इज द राइट आंसर, ये आ जाएगा 0.84। कैसे किया? 50 का डबल कर दिया 100, 42 का डबल कर दिया 84, 100 से 84 का डिवाइड करेंगे तो 0.84 हो जाएगा। इस तरीके से ये टेक्निक यूज किया, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 29 था वो चैप्टर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, ये भी शायद प्रोबेबिलिटी से होगा। ओके ओके, 30 क्या बोला? ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर विच, अच्छा इसमें और भी पूछा है क्या? Find the probability that the selected screw, अच्छा हो गया था। Obtain a quadratic polynomial for which the sum and the product of the zeros are -3 and 2। यहाँ पे quadratic polynomial को बनाना है। Quadratic polynomial क्या करना है? बनाना है जिसमें sum of zeros and product of zeros given है। ठीक है? Sum of zeros, zeros नहीं given है। Sum of zeros and product of zeros given है। ये हो गया। Question number 30 करें। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, और आप लिख भी सकते हो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है? पॉलीनोमियल कितना कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आपको इसमें ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। जिसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया है, और क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? टू दिया है, थर्टी हाँ टू दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है? इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये जीरो है, अल्फा और बीटा क्या है? जीरो है। अल्फा और बीटा क्या है? जीरो है। तो उनका सम करते हैं तो -3 आता है, और प्रोडक्ट करते हैं तो 2 आता है। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? आपको पता है कि -3 अपन ये होता है, यहाँ है -3/1। के रेशियो लोगे तो -b इक्वल टू क्या आएगा? -3 के, और a लोगे तो 1 के आ रहा है, क्लियर। यहाँ से ये बना। दूसरा अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? c/a, यहाँ है 2/1। यहाँ पर भी k रेशियो लेते हो तो c इक्वल टू 2k और a इक्वल टू, यहाँ पर आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हो कि a इक्वल टू 1k है, तो यहाँ पर मैं a इक्वल टू 1k पुट कर दूँ, यहाँ पर 2 है,
ये इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू के आ जाएगा, टू वन जा टू इंटू के, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ए बी सी का एक रेशियो मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखिए स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल में ए की वैल्यू क्या है, वन के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ना, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री के, माइनस माइनस कैंसल, बी की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री के, तो यहाँ पे पुट कर देंगे थ्री के एक्स, और उसके बाद से क्या आ जा रहा है सी की वैल्यू कितना है टू के। क्लियर, अब इसमें से के आप कॉमन कर सकते हैं, के को मैंने निकाल दिया तो क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इस इन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस तरीके से आप बता दोगे कि ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अब के अगर इसका कोई रेशियो मिल जाता है तो मल्टीप्लीकेशन करके हम बता सकते हैं, बाकी के इज द कॉन्स्टेंट। ओके क्लियर, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक, ये ऑब्टेन हुआ है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये है ओके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस तरीके का करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 से आ गए। ओके कितने हो गए, 6 हो गए, 6 और है, 31 पे चलते हैं, 31 भी इसी चैप्टर से है। ओके 31 बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, यहां पे रिलेशन भी वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, तो ये भी चैप्टर नंबर 2 से ही है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन बना दे रहे हैं पहले, फिर उसके बाद से कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 का क्या दिया है, ये दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। ठीक है, ये दिया हुआ, इनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, जब ये जीरोज फाइंड आउट करना है, ये है पी एक्स, इसके पहले जीरोज फाइंड आउट करना है, फिर बाद में रिलेशन वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास रिलेशन है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपन ए, क्या ये सही है, ये वेरीफाई करना है उसके लिए सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, अगर जीरो फाइंड आउट करना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये करेंगे फॉर फाइंडिंग जीरो। ठीक है, लेट करके अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि इस वैल्यू और ये वैल्यू का प्रोडक्ट कर लेने का टेन आया, टेन के दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनके एडिशन पे सेवन आए, तो फाइव टू जा। ठीक है, इन दोनों का एडिशन भी आ जाए, तो मुझे क्या करना होता है स्प्लिट अप, इसी को स्प्लिट अप फॉर्म भी बोलते हैं कई जगह पे, तो ये जो मिडल टर्म है इनको हमें स्प्लिट करना है फाइव और टू में, और ये स्प्लिट करने का टेक्निक मैंने कई बार आपको क्लास में बताया कि ये और ये इनका प्रोडक्ट करो, जो वैल्यू आ रही है इनको दो ऐसे फैक्टर बनाओ, यहाँ प्लस है तो प्लस करने भी आएगा, माइनस है तो माइनस करने भी आएगा, तो यहाँ पे आ गया फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। इन दोनों को लो और ये दोनों को पेयर लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक्स है, क्योंकि नंबर में यहाँ पे सिक्स वन है यहाँ फाइव है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ क्या बचा फाइव, और जो यहाँ नंबर आ जाता है सेम यहाँ लिख दो नंबर। अब देखो कि पहला वाला टर्म कि क्या मल्टीप्लीकेशन करो कि टू एक्स आएगा, तो प्लस टू प्लस टू इंटू एक्स, टू एक्स आ गया, प्लस टू इंटू फाइव करोगे टेन आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है नहीं तो रॉन्ग है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा एक्स प्लस फाइव, और यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ बचा टू। अब यहाँ से देखो कि एक्स प्लस या तो ये जीरो हो जाए तब पूरा जीरो होगा, या तो ये जीरो हो जाए तभी तो जीरो का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, तो x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस फाइव, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस टू, ये दोनों x की वैल्यू ही क्या है जीरो है, एक को मैं अल्फा ले लेता हूँ और एक को बीटा ले लिया माइनस टू, लेट करके यहाँ पे लेट करके ले सकते हो। फिर बाद में आप वेरीफिकेशन करना है, क्या करना है वेरीफिकेशन करना है, यहाँ पे वेरीफिकेशन कर रहे हैं, वेरीफिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं, पहला हमारे पास है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, क्या लिखते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी अपन ए, क्लियर, माइनस बी अपन ए। अभी यहां से आपको ए बी भी आपको बताना है, यहां से एक और चीज बताना है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ए क्या होगा 1, बी क्या हो रहा है 7, सी क्या हो रहा है 10, यहां पर क्या कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वैल्यू कितनी है, एक है माइनस 5 और एक है माइनस 2, यहां पर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू 1, यहां पर देखोगे माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7, यहां पर भी माइनस 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड, ऐसे कर दोगे। दूसरा है हमारे पास इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ होता है सी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 5 का माइनस 2 से मल्टीप्लीकेशन, सी की वैल्यू कितनी है 10, 10 अपन 1, यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस और 5 टू 10, यहाँ पर भी है 10, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई, क्लियर। इस तरीके से करेंगे दो मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है, मैं यहां पर अप कर रहा हूं, समझना इंपॉर्टेंट है, ट्राई करोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, नहीं ट्राई करोगे तो कितना भी करोगे नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32, विदाउट फाइंडिंग द जीरो अल्फा और बीटा बिना फाइंड आउट किए कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीजें फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी चैप्टर नंबर 2 ही है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 से 3 क्वेश्चन आ गए, मतलब 6 मार्क्स तो यही से हो गया। चलिए यहाँ क्वेश्चन बोला है कि ये पॉलिनोमियल है, px क्या दिया हुआ, px जो दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, यहां पर आपको a यहां से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर किसे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां से a मिला 6, b मिला माइनस 13 और c मिला 6, ये चीजें मिल गई। अब इसके बेस पे ध्यान से समझना, आपको ये फाइंड आउट करना, पहला ये फाइंड आउट करना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और दूसरा फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मुझे अगर जीरोज नहीं पता है, अगर जीरोज की बात करें तो मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही आता है और कुछ तो आता नहीं है इसमें, तो हम इसको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में बनाएंगे। पहले देखो अल्फा बीटा ये फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, यहां से डिवाइड करोगे तो अल्फा कट बीटा आएगा, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस इसको करोगे तो अल्फा आ जाएगा, यह है। और आपको पता है कि ऊपर सम ऑफ जीरोज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी अपन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी अपन ए, ए और ए कैंसिल, क्या बचा माइनस बी अपन सी बचा और माइनस बी, बी की वैल्यू देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 13 और सी की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस कैंसिल वैल्यू क्या आ गया 13 अपन 6, इसकी वैल्यू आ गया। वही सेम इसका करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको पता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा ही क्यों लिया, क्योंकि सम ऑफ जीरोज मुझे आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, जीरोज का सब्ट्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये वाली वैल्यू को मैं इधर कर दूं, ठीक है, समझ में आ रहा, ये इधर कर दूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और क्या फाइंड आउट करना है वही आ गया कि नहीं, यही फाइंड आउट करना है ना। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है सम ऑफ जीरो क्या क्या होता है माइनस बी अपन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपन ए होता है, क्लियर। अब देखो माइनस बी अपन ए माइनस माइनस 13 है बी की वैल्यू और ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू भी 6 है, यहाँ ये इसका स्क्वायर हुआ
माइनस टू इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू भी है 6, क्लियर। ये किसकी वैल्यू आ रही है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, माइनस भी रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 13 का स्क्वायर 169 और 6 का 36, माइनस 2 हो रहा है, ठीक है। अभी ये अगर कट सकता है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो आप इसको कर लीजिए, 16 72 72 माइनस कर देंगे। यहीं पे आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो रहा है, 169 अपॉन 36 माइनस 2। ये इधर करोगे तो 169 माइनस 72 अपॉन 36 माइनस करिए, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, माइनस 3 मतलब 97 अपॉन 36 ये आ जा रहा है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ से बच रहा है 3 और 100 में से 3 माइनस करोगे तो 97 अपॉन 36 ये आपका राइट आंसर आ जाता है, किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से बॉक्स में रख देंगे, बेटर तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ओके। क्लियर हुआ, 32 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, 33 पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस को मैं साइड में जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर से रिलेटेड तीन टाइप के क्वेश्चंस आए, एक तो आया कि आपको जीरोज फाइंड आउट करने के लिए और रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, दूसरा ये आया था कि आपके पास जीरोज दिए हुए थे, जीरोज दिया होगा या तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा और उसके बेस पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑब्टेन करना था। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपको जीरोज फाइंड आउट ही नहीं करना है, उसके अलावा आपको ये टेक्निक यूज करके फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। 33 आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ गया, क्वेश्चन नंबर 33 किससे आ गया, ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर नंबर 8 से है, ठीक है। और क्या बोला है, इसकी वैल्यू आपको बताना है, इवैल्यूएट करना है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये डॉट का मतलब डॉट रगे है ना, इनके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये साइन 60 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए रूट 3 अपॉन 2, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है रूट 3 अपॉन 2, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2। अब देखिए इन दोनों का अगर सॉल्व करते हैं तो रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ 2 जब 4, यहाँ पे 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 और 2 जब 4, यहाँ दोनों का देखेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 3 प्लस 1 होगा, 4 अपॉन 4 इट मीन्स 1, ये आंसर हो जाएगा। कितना मिनट लगा, बहुत ही कम समय लगा। क्वेश्चन नंबर 34 और 34 भी आपका किससे है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। और यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोला है कि आपको ये प्रूव करके बताना है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके लिए ये दिया है कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन ए अपॉन 2, ये प्रूव करना है, अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, कोई ट्रायंगल है तो आपको पता है कैसे प्रूव करेंगे, तो ऐसे वी नो दैट ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ बी प्लस सी चाहिए, यहाँ पे बी प्लस सी इधर रख देते हैं, यहाँ पे 180 माइनस ए कर लेते हैं, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, इधर भी डिवाइड बाय 2, इधर भी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या है बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 90 और इसको डिवाइड करोगे तो ए बाय 2। अब क्या कर लेते हैं, दोनों साइड में कॉस ले लेता हूँ, यहाँ पर भी कॉस, बोथ साइड टेकिंग कॉस से ले सकते हो, बोथ साइड टेकिंग कॉस, कॉस लोगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे होगा कॉस 90 माइनस ए बाय 2। अब आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ए बाय 2 हो जाएगा, थीटा यही है, और यहाँ पे क्या है कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 और यही तो प्रूव करना था, हेंस प्लस
ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो कैसे कैसे, पहला एक्सरसाइज हमारा अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले की बात किया है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात किया है, आप पहले उनके नाम जानो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, साइन का क्या होता है, याद रहना चाहिए साइन का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अभी अपोजिट साइड कौन सा होता है, जहां जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला जो साइड अपोजिट और उसके साथ वाला एडजेसेंट और उसके जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला है वो हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता है। तो पहला एक्सरसाइज किसके बेस पे, रेशियो के बेस पे। दूसरा एक्सरसाइज हमारा एंगल के बेस पे है। तीसरा एक्सरसाइज आइडेंटिटी के बेस पे है। तो इसी तरीके के है क्वेश्चन। और तीसरा एक्सरसाइज आई थिंक ये वाला जो है 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। और चौथा एक्सरसाइज आइडेंटिटी के बेस पे है। आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये टेक्निक से याद करोगे तो आ जाएगा। 34 हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो क्वेश्चन और होगा सर, चार है मतलब 14 पूछ रहा है, 35 फिर पता चलेगा। पॉइंट और लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सेंटर वाला पी, और एक पॉइंट एक्सटीरियर में लाई कर रहा है जिसका रेडियस 7 है, और टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल एट बी। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेंजेंट मान लो ये है, ठीक है, को टच कर रहा है सर्कल एट बी, बी पे, बी पॉइंट पे, जिसमें ए बी, ए से बी की वैल्यू दिया है 24, मतलब ए पॉइंट है ये इस तरीके से, और ये तो आपको पता ही है कि 7 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहा है, पी ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हाइपोटेनियस होगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो आप क्या लिख सकते हो, पी ए, पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी बी एंगल पी इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल पी बी ए 90 डिग्री। सो देयर फॉर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या ले आ जाएगा, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस बी ए बी का स्क्वायर। पी बी कितना है, 7 और ये 24 का स्क्वायर, 7 का 49 और इसका होता है 625 ही आएगा, 7 4 11 1 12 625। ये पी ए स्क्वायर का है, तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये भी किस चैप्टर से था, चैप्टर नंबर 13, ये वाला चैप्टर नंबर 10 का है। वो तो आते रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, कॉल तो आते रहते हैं। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आ गया। उसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, 37 है, 38 है, मतलब कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, 14 क्वेश्चंस है और करने हैं आपको कितने, 10 करने, मतलब 4 ऑप्शन दे रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन है। चलिए 35 हो गया, चलिए 3 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में 35 का क्या था, चैप्टर नंबर 10, ठीक है।
अभी क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली क्लाइंब स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल एंड टू द ग्राउंड। मतलब इस तरीके का है, ये पोल है और रोप इस तरीके से बंधा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे इस तरीके से। दिस इज द रोप, ओके, ठीक है। यहाँ पर है ये ग्राउंड, इसको बोल सकते हैं ग्राउंड, ओके, क्या है, ग्राउंड है। आगे बोला है और ये रोप बोला है कि 20 मीटर है, मान लो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसमें ए सी क्या है 20 मीटर हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट आपको पता करना है, ये क्या है बी सी इक्वल टू एच इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, और ये हमें फाइंड आउट करना है। आगे कुछ दिया, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये जो रोप है ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रही है, आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है 20 मीटर, ये फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस एंगल के सामने वाला अपोजिट। हाइपोटेनियस अपोजिट किस में आता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या कर सकते हो, पहले थोड़ा लिख लो तो बेटर रहेगा, ये लिख दिए, फिर बाद में आप क्या लिख दोगे, ओके थीटा 30 डिग्री है ना, तो ऐसे लिख दोगे इन ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, और क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे साइन 30 इक्वल टू अपोजिट एच अपन रोप 20 मीटर, ठीक है। ये 20 इधर आया, इसकी वैल्यू कितनी, 1/2, ये है 20, ये 210 जा और 10 इधर आया, तो एच की वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द पोल हैंस ऐसे करके लिख दोगे, हैंस हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा 10 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 36, ठीक था ना, और ये किस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हो गया, ये भी 2 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 अगर आप देखने जाएंगे, इसका तो फिगर भी बनाया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डाइविंग द लाइन सेगमेंट, डिवाइडिंग होना चाहिए लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी 1:1, मतलब यहां क्या दिया है, एक ए दिया हुआ है 2 और 1 दिया है, बी दिया है -2 और -1, और रेशियो M1 रेशियो M2 क्या दिया है 1:1, इस तरीके का दिया हुआ, तो आपको P फाइंड आउट करना है, P X Y क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही P पॉइंट है जो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 ये है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P X Y फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, M2X1 + M1X2 / M1 + M2 (M2Y1 + M1Y2 / M1+M2) यही है, ठीक है, फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। देखिए 1 × पहले x वाला है ना, देखो -2 + 1 × 2 / 1+1, और यहां पर इसके लिए 1 × -1 + 1 × 1 / 1+1, यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है और +2 आ रहा है अपन 2 आ रहा है, और यहाँ पे कॉमन में -1 + 1 / 2 आ रहा है, तो आप देखेंगे क्या मिल रहा है, -2 + 2 0 0/2, यहाँ पे -+1 0, तो यहाँ पे दोनों क्या आ गया 0 आ गया, मतलब पी एक्स वाई क्या हो गया 0 0, मतलब ओरिजिन जो पॉइंट है इसको क्या कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसे भी देख सकते हो, ये +2 है -2 है, ये +1 है ये -1 है, तो ओरिजिन ही उसको इस तरीके से डिवाइड कर लेगा 1:1 में बोले तो, इस तरीके का हो जाएगा सॉम, ठीक है। सेक्शन फार्मूला यूज किया है, मिड पॉइंट फार्मूला इसमें आता है, डिस्टेंस फार्मूला आता है, और कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए इसमें आ जाता है, फिर बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ जाता है, तो ये चैप्टर नंबर 7 से इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये चीजें आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, और ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एपी है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, चैप्टर नंबर 5 है, देख लीजिए, ओके, बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, एपी दिया हुआ, देखिए
क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि एपी ये दिया हुआ है, क्या बोला, 12 है, 17 है, 22 है, डॉट 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 15 टर्म, मतलब एन की वैल्यू क्या है 15, ठीक है 15 है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, ध्यान से देखो, ए आपको दिया है 12, डी आपको निकालना है, तो 17 माइनस 12 कर दो कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब चाहिए आपको एस 15, तो 15 अपॉन 2 ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, 2a होता है ध्यान रखना 2a, ठीक है। यहाँ 15 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 12 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू 5 है, 15 अपॉन 2 यहाँ पे 12 टू जा 24 और 14 5 जा 70, इन दोनों को एडिशन करोगे कितना होगा 94 होना, 15 अपॉन 2 इंटू 94 ये कटेगा 15, 2 4 जा 8 और 2 7 जा, ये मल्टीप्लिकेशन कर दो 15 7 जा कितना होता है 15 7 जा 105 होता है, तो 5 आ गया 10 कैरी आ गया, 15 4 जा 60, 60 10 70 705 इज द राइट आंसर, यस 15 कितना हो गया 705। ये था आपका चैप्टर नंबर 5 से, आप यहां पे देख सकते हैं, थोड़ा टैली कर सकते हो, देखो टैली कर सकते हो चैप्टर नंबर 5 से, देखो किससे किससे आया होगा चैप्टर नंबर 5 से, कितने क्वेश्चन आए हैं 1 2 3 मतलब 3 क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स के हो गए 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर अगर आप 13 देखोगे तो दो आए हैं 4 मार्क्स हो गए। चैप्टर नंबर आप देखोगे 15 से एक ही पूछा था 2 मार्क का, ठीक है। उसके बाद से टैली ऐसे कर सकती हो, फिर उसके बाद से चैप्टर नंबर 2 पूछा, चैप्टर नंबर 2 से कितने 1 2 3 बस ना, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे और 6 मार्क्स हो गए। चैप्टर नंबर और कौन सा था 8 है, 8 से भी 2 क्वेश्चन थे और ये है 4 मार्क्स। फिर चैप्टर नंबर 9 है, एक क्वेश्चन पूछा था और वो है 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर 10 भी पूछ लिया है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। फिर चैप्टर नंबर 7 पूछ लिया है, चैप्टर नंबर 7 एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, बस इतना ही पूछा है, यही चैप्टर है, ये चैप्टर है। अभी देखो कौन कौन से चैप्टर, देखो इंपॉर्टेंट, देखो आपको पता चलेगा 2 भी है, फिर 2 के बाद से 5 है एपी, फिर बाद में 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 15 है, 13 है, ये चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर की थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सेक्शन बी भी आपके सामने आराम से हो जाएगा। और आपको इसमें से 14 में से सिर्फ कितना करना है, सिर्फ 10 ही करना है और 10 टू 20 मार्क्स आराम से गेन कर लेना है, प्रैक्टिस से ही आएगा। मैथ्स कभी भी सोचने समझने से नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करो, हाथ को हैबिट बनाओ, उस तरीके से प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, बेसिक वाले स्टैंडर्ड बेसिक दोनों करो और स्टैंडर्ड वाले भी बेसिक स्टैंडर्ड दोनों करो, जितना क्वेश्चन करोगे उतना है आपके लिए हेल्दी रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और टाइम नहीं मिलता है तो सबसे बढ़िया है सो जाओ, पूरा भरपूर टाइम मिलेगा सर।